हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये हमारा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी, क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि हम लोग केवल अनुमान जो लगा रहे हैं वो किन परिस्थितियों या किन फैक्टर्स पर लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में कितनी वैकेंसी थी और कितनी वैकेंसी गर्ल्स में गई और गर्ल्स को जो वैकेंसी गई उसके बाद कितनी वैकेंसी बची हैं और कितने लड़कों के जो कमेंट्स आए हैं और जो फैक्टर्स, इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट शायद ना रहे। तो इसलिए और इस वीडियो में आपका सुझाव भी चाहता हूँ कि ये मेरी कोशिश कितने परसेंट तक सही है कि नहीं सही है, और आप लोग सुझाव अपना ज़रूर दें। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एक भी सेकंड का स्किप नहीं करना है, आपको लगातार इस वीडियो को लगभग जितने मिनट का भी वीडियो, 8-10 मिनट का या उससे कम भी हो सकता है, तो यह वीडियो में आपको बने रहना है। आपको बिल्कुल भी यह वीडियो स्किप नहीं करना है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और वीडियो के अंत में आपको ये बात कितना सही लगती है कितना गलत लगती है, और मैं बता दूँ, मैंने तो जो कट ऑफ बनाई थी वो मैंने बच्चों के कमेंट्स के हिसाब से बनाई थी जो वीडियो पे कमेंट्स आए थे, लेकिन ये जो कट ऑफ है ये मुझे लगता है कि इसके साथ मैं तो 90% जाना चाहता हूँ। ये भी कट ऑफ मुझे सही भी लगती है कहीं ना कहीं। और वहाँ पे जब लड़के बता रहे थे इतने हाई नंबर, मुझे भी डाउट हो रहा था कि 54 वाले गए तो गए कहाँ। तो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि कौन 54 पे था कौन नहीं था और 54 वाले लड़के गए तो गए कहाँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो इसका एग्ज़ाम डेट था वो 3 जुलाई 2022 था, 3 जुलाई 2022 था। और जो इसका रिज़ल्ट आया वो आया 3 मार्च 2023 को, 3 मार्च 2023 को। इसका डीवी जो था वो 30 जून से 16 जून तक चला, सॉरी 30 मई से 16 जून तक चला। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करना, बस ये कॉमन फैक्टर्स है जो फटाफट में बताने के बाद सीधा कट ऑफ पे आ जाऊंगा। और इसमें एक एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी चीज़ें जब हम लोग जानेंगे तभी फाइनली एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अब देखते हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन डीवी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बात कंफर्म है कि जो 20% स्टूडेंट थे वो अब्सेंट थे टोटल में, किसी में जो चार बचे हुए थे तो किसी में 3 लड़के, किसी में 2 लड़के, किसी में 4 लड़के, लेकिन जब चारों को हम लोग टोटल कर रहे थे तो लगभग अप्रॉक्स में 20% स्टूडेंट अब्सेंट हो रहे थे। तो जो अब्सेंट का लेवल था वो 20% हो गए, तो प्रेजेंटी हो गई हमारी 80%। तो लगभग कितना हो जाएगा कि 2800 बच्चे ना डीवी के लिए एलिजिबल थे और उनका 80% वो लोग प्रेजेंट थे। तो इसका हम लोग वो करेंगे तो इसका लगभग कितना आ जाएगा, 2240 आ जाएगा। तो लगभग जो अब्सेंट के बाद जो लड़के बचे वो कितने बचे हम लोगों के पास, 2240। अब अदर ट्रेड प्लस इक्विवेलेंट ट्रेड रिजेक्टेड इन डीवी फॉर अदर रीजन, मतलब हो सकता है उनका जो प्रमाण पत्र है वो लास्ट डेट के बाद कर रहा हो, या COE वाले हो गए, या अदर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वाले हो गए, और मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले हो गए, और ढेर सारे हो गए। तो उनमें मैं मान लेता हूँ कि वो लगभग 10% अब्सेंट, मतलब रिजेक्ट हुए हैं। तो जब 10% रिजेक्ट हुए हैं तो उनके रिजेक्ट करने के बाद कितने स्टूडेंट बचते हैं, तो हम क्या करते हैं 2240 का 10% वो हो गए तो 90% बचेंगे, तो 90% निकाल लेते हैं। वैल्यू मैं अप्रॉक्स में लिखूँगा तो आप लोग ज़्यादा वैसे टेंशन नहीं लेना है। तो ये लगभग आ जाएगा 2016 अप्रॉक्स में। अब ये 2016 को हम लोग मान लेते हैं लगभग 2000, जिससे कैलकुलेशन करने में हमको आसानी हो जाए। 2000 कितना हो गया, अब हमारे पास स्टूडेंट अभी कितने बचे हैं, 2000। अब इन 2000 में से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं इसका थोड़ा पेज ऊपर कर लूँ, नहीं तो फिर ये आएगा नहीं। सही है। तो अब देखते हैं, पहले एलिजिबल वो देख लेते हैं, एलिजिबल जो ट्रेड्स थी वो कौन कौन सी थी। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि वो वाली ट्रेड लेगा कि नहीं लेगा, तो अगर इन ट्रेडों से अगर अदर ट्रेड है तो भूल ही जाइए कि आपको वो लेगा भी। एक थी हमारी फिटर,
फिटर वाले बच्चे सभी एलिजिबल हैं और उनको लेगा भी। दूसरी हमारी थी वायरमैन और तीसरी थी मशीनिस्ट और चौथी ट्रेड थी हमारी टर्नर। और वो गोरखपुर वाला जो लाल डिग्गी पार्क से जो प्रशिक्षु प्रमाण पत्र जो प्राप्त हुआ है और वो लड़के भी एलिजिबल हैं लेकिन वो मिले नहीं कहीं। अब देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टिल इन कंपटीशन आफ्टर रिजेक्टेड एवरीवेयर इन एबो कंडीशन। तो मतलब हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद या मतलब उन डीवी स्किप करने के बाद या सब कुछ छोड़ने के बाद अभी जो कंपटीशन में जो बच्चे हैं वो लगभग कितने हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग अभी बच्चे हैं जिनसे कट ऑफ में जो बाहर होंगे या जिनके ऊपर कट ऑफ एलिजिबल होगी वो कितने हैं? 2000। कितने बचे हैं? 2000 कैंडिडेट। अब फाइनल रिजल्ट डेट बता दूँ तो जो रिजल्ट डेट है, मैं कट ऑफ पे आ रहा हूँ बस, इसके बाद फटाफट कट ऑफ पे आते हैं। जो रिजल्ट डेट है वो भी बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट इसका कब आएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो समझ लो मैंने बताया था जुलाई में नहीं आएगा और ये ऑथेंटिक एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ थी कि जुलाई में नहीं आएगा। और मैं बता दूँ इसका रिजल्ट जो आने वाला है 20 अगस्त के बाद आने वाला है। इसका रिजल्ट आएगा आफ्टर 20 अगस्त। इसका रिजल्ट 20 अगस्त के बाद आने वाला है। तो अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या फैक्टर्स होने वाले हैं और कितने क्या है नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। ये सारी चीज़ें डिस्कस करना बिल्कुल ज़रूरी है इसलिए मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ कि अब इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। अब देख लेते हैं जो EWS की वैकेंसीज थी वो थी 48, अनरिजर्व की वैकेंसी थी वो थी 200 और OBC की वैकेंसी थी 129 थी। SC की वैकेंसी थी वो थी 101, ST की जो वैकेंसी थी वो थी 8 और फीमेल की जो वैकेंसी थी वो थी 98। तो इतना देख लिया तुमने। अब आ जाते हैं जो फीमेल, अब हम लोग बताएंगे कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट थी उनकी वैकेंसी कैसे डिवाइड हुई। भाई 98 वैकेंसी थी उनकी, अलग से तो कोई वैकेंसी थी नहीं उसमें, तो उनका देखना पड़ेगा कि उनकी वैकेंसी कैसे डिवाइड हुई हैं। और शायद आप लोगों को सबको पता भी हो कि उनकी वैकेंसी कैसे डिवाइड हुई, तो फटाफट मैं बता दूं कि फीमेल की वैकेंसी कैसे डिवाइड हुई है, ये तो पता है आप सभी लोगों को। तो और मैं इसको ऊपर करके वो करता हूँ तो देख लेते हैं फटाफट फीमेल की वैकेंसी कैसे डिवाइड हुई है। तो फीमेल की वैकेंसी देखते हैं, जैसे EWS की 48 थी तो इसका जब हम 20% लेंगे, सबका 20% ले रहे हैं और 200 का 20%, OBC का कितना था 129 था, इसका भी 20%, सबकी 20 जो फीमेल की वैकेंसी थी सबके 20% के बराबर थी। तो 101 का 20% और ST का 8 का 20%, अभी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितनी थी फीमेल की वैकेंसी। तो जब इनका 20% सबका 20% लिया तो कितना आया, और ये मैं आपको बता दूं तो जो EWS में जो फीमेल थी लगभग 9 थी, इनकी 40 ली गई इनसे और इससे ली गई हैं 27, इसका 20% निकाला तो इसका 20 लिया गया है अप्रॉक्स में, है एक दो इधर उधर हो जाती हैं अप्रॉक्स में ले ली जाती हैं। तो ये टोटल आप जब आप लोग ऐड करेंगे तो 98 वैकेंसी थी टोटल जो फीमेल की वैकेंसी थी 98 वैकेंसी। अब देख लेते हैं भाई, जब इनको हम हटा देंगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, जो वैकेंसी थी अब वो हो जाएंगी कम। तो अब देखेंगे EWS की वैकेंसी बची कितनी, तो EWS की ये सब हटाने के बाद बच रही हैं 39 और अनरिजर्व की बच रही हैं 160, OBC की बच रही हैं 102, SC की बच रही 81 और जो ST की बच रही वो केवल 6, ये वैकेंसी बची हुई वैकेंसी लेफ्ट वैकेंसी। अब आ जाते हैं वैकेंसी के दो गुना लेने के बावजूद, अब तो कंफर्म हो गया ना इतनी वैकेंसी बची, अब आ जाते हैं कि जो वैकेंसी का दो गुना लिया है वहाँ पे आयोग ने, उसके बावजूद भी इतने कैंडिडेट कैसे हो गए, 2800 कैंडिडेट कैसे हो गए, और ये लगभग एकदम एग्जैक्ट है और इससे अलग नहीं होगा और यही सत्यता है। और भले ही यार अब क्या करें, जिसका सिलेक्शन होगा वो तो खुशी होएगा।
और ज़्यादा मायूस नहीं, आगे वैकेंसी की तैयारी करनी है, लेकिन जो कट ऑफ जाएगी एक ना एक दिन उसका सामना हम लोग सभी लोगों को करना है, चाहे वो हाई जाए चाहे लो जाए, जैसे भी कट ऑफ हो उसमें हमारा नाम आए या ना आए, लेकिन उसका एक दिन सामना सभी को करना ही करना है। मन को फुसलाने बहलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो सच्चाई जो आएगी उसका सामना करना ही करना है। अब उसको चाहे सच्चाई बोल लो चाहे मौत, अब जैसे ज़िंदगी में एक सत्य होता है कि एक बार मृत्यु का सामना सभी को करना है, वो सच भी होता है, लोग फिर भी उससे मुंह फेरते रहते हैं। तो वैसे कट ऑफ जब फाइनल आएगी उसका सामना करना ही करना है। लो कट ऑफ बता कर किसी को खुश करने से कोई मतलब नहीं है, हाई कट ऑफ बता के, ये कट ऑफ केवल उस पर डिपेंड कर रही है कि कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं और कैसे क्या है, और लगभग यही कट ऑफ जाने भी वाली है। तो अब देख लेते हैं वैकेंसी के दो गुना के बावजूद कैंडिडेट 2800 कैसे, यह तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब हम ये यार एकदम करेक्ट बात है कि केवल 54 पे इतने लड़के नहीं हो सकते, और इसीलिए वहाँ पे लड़कों से बात करने पे भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए ये एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है। और जो अवनीश भाई हैं उनका जो मैसेज वायरल हो रहा है वो एकदम मुझे 100% नहीं 99% 90% तक सच लग रहा है कि ऐसा ही होता है कट ऑफ में, जो आखिरी समान कट ऑफ अंक पे इतने लड़के जो बढ़ जाते हैं वो कैसे बढ़ जाते हैं। तो लगभग यही फैक्टर इसमें भी काम किया है जो इतने लड़के एक्स्ट्रा हो गए हैं, और क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एससी के लड़के एससी के लड़के भी 54 पे ही मिल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के भी 54 पे मिल रहे हैं, ओबीसी के भी 54 पे मिल रहे हैं, अनरिजर्व के भी 54 पे मिल रहे हैं, तो सबको 54 पे नहीं, किसी का कम ज़्यादा रहा होगा और समान कट ऑफ अंक लाई गई होगी, और उसमें जो लिखा हुआ है समान कट ऑफ अंक, तो यही रीज़न है समान कट ऑफ अंक जो बनाई है आयोग ने। कट ऑफ उनकी दूसरी थी, दो गुने के लिए कट ऑफ दूसरी थी, लेकिन जब समान कट ऑफ अंक उसने बनाई है तो उनको शामिल करते हुए जो कैंडिडेट हो गए वो लगभग 6 गुने हो गए हैं वैकेंसी के। तो ये ज़्यादा वो बात नहीं, एकदम यही सत्य है कि जो समान कट ऑफ अंक थी उनको शामिल करते हुए 6 गुने हो गए हैं, और वो समान कट ऑफ अंक 54 नहीं थी, ये भी बात सत्य है। तो वो कितनी थी ये देख लेते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस को बेस माना गया है, तो ईडब्ल्यूएस को बेस माना गया है तो ईडब्ल्यूएस की तो कंफर्म है कितनी कट ऑफ लगी थी, 54 लगी थी। ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ लगी थी, 54 लगी थी। और मेरे अकॉर्डिंग जो ये केवल गेस है, पहले बता दूं ये केवल अनुमान है, ये 100% सत्य या ऑथेंटिक नहीं हो सकता, इससे भी अलग हो सकता है, इस पर आपकी राय भी चाहूँगा बाद में। और जो मैंने कमेंट के हिसाब से जो वीडियो बनाया है वो मैं कल अपलोड करूँगा, और ये मुझको इस पर काफ़ी मेरे माइंड में स्ट्राइक किए बाद तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जो कमेंट्स पे था, जो बच्चे ने कमेंट किया है अपने नंबर्स, कितने लड़के मुझको मिले, कितने नंबर पे कितने लड़के हैं, उसका वीडियो मैं बाद में दूंगा, लेकिन ये मुझे ऑथेंटिक लग रहा है क्योंकि सारे लड़के वीडियो नहीं देखते हैं, सारे लड़के किसी ग्रुप में ऐड नहीं होते हैं, और सारे लड़के इतना एक्टिव नहीं होते हैं कि वो कमेंट करें या वीडियो देखें या कुछ करें, तो ये तो सबको लेके इंक्लूड करके ये कट ऑफ बन रही है। तो अनरिजर्व्ड की मैं देखो, जब ईडब्ल्यूएस की 54 थी तो अनरिजर्व्ड की इतनी नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लड़के मुझे भी लग रहा है कि हाँ लड़के इसमें कम थे, क्योंकि तभी नया नया ही ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था, तो इसमें लड़के ईडब्ल्यूएस के सबसे बेस ईडब्ल्यूएस को ही माना गया होगा। तो इसके अनरिजर्व्ड की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 58 रही होगी, उसको 58 से 54 पे जब लाया गया है, 4 अंक पे इतने लड़के हैं, ना कि एक या पॉइंट में लड़के इतने हैं, तो 4 अंक पे जितने एक्स्ट्रा लड़के थे इन ये लड़के बढ़ते बढ़ते 2800 हो गए हैं। तो जो कट ऑफ थी दो गुनों के लिए 58 थी, लेकिन जो समान कट ऑफ अंक लाने के लिए 54, जब 58 से 54 लाए गए हैं, तो जो 54 से 58 के बीच के जो 4 नंबर पे जो लड़के हैं वो एक्स्ट्रा लड़के हैं, ना कि 54 से 55 के बीच के लड़के। तो ओबीसी की मेरे हिसाब से 56 रही होगी, और एससी की जो रही होगी वो 55 रही होगी, वो वाला जो था ना कि 55 पे नहीं मिल रहे थे 54 पे लाया तो मिल गया, ये एकदम सरासर असत्य है। और यही सत्य है कि जो 58 जो इसके थे, इसकी 54 कट ऑफ लगी, तो 54 से 58 के बीच के लगभग 4 नंबर पे एक्स्ट्रा लड़के मिले, इस पे 56 से 54 इस पे 2 नंबर पे एक्स्ट्रा लड़के हैं, और इस पे 1 नंबर पे एक्स्ट्रा लड़के हैं। तो ये मैटर डिपेंड करेगा कट ऑफ के लिए, कट ऑफ के लिए ये मैटर डिपेंड करने वाला है, और लगभग यही कट ऑफ रहेगी, और ये कट ऑफ ज़्यादा भी लग सकती है, लेकिन अब कट ऑफ ज़्यादा ही जानी है मुझे लगता है।
इस फैक्टर पे, और जो मैं कट ऑफ का दूसरा वीडियो है वो तो मेरे बच्चों पे कमेंट के हिसाब से है था, लेकिन उसको मैंने लेट कर दिया अपलोड करना। आज मैं डालने वाला था वीडियो, काफ़ी दिन से उस पर रिसर्च की, लेकिन बात भी की काफ़ी लड़कों से और उनके नंबर्स भी जाने, लेकिन ये कट ऑफ मुझे लगता है सबसे बात नहीं हो सकती, ना सब कोई कमेंट कर पा रहा है, तो ये कट ऑफ लगभग ऐसे ही रहने वाली है। तो देखते हैं इसकी कट ऑफ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, फटाफट इसकी कट ऑफ पे आ जाते हैं, फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए थे तो धन्यवाद, अब आपको फाइनल कट ऑफ बताते हैं। तो आप देख लीजिए जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी जाएगी लगभग। एक मिनट रुक जाइए, पेज उड़ रहे हैं, हवा चल रही है, चलो इस पर रख देते हैं। तो फाइनल कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी वो देख लेते हैं। ए बी टी फाइनल कट ऑफ 90% स्योरिटी अगर ई डब्ल्यू एस को ही बेस माना गया है तो। जो डी वी की कट ऑफ थी लगभग इतने पे लगी थी, 54 पे, अनरिजर्व की 58 पे, ओ बी सी की 56 पे, एस सी की 55 पे, एस टी की 41.75 पे, फीमेल की 35.75 पे। और लेकिन इसको समान कट ऑफ करने के चक्कर में जैसे 58 को 54 पे लाया गया, 56 को भी 54 पे लाया गया, 55 को भी 54 पे लाया गया, इसकी वजह से जो बच्चे थे वो 2800 हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी, जो फाइनल कट ऑफ जानी चाहिए वो लगभग कितनी जानी चाहिए। तो ई डब्ल्यू एस की बेस कैटेगरी थी उसमें एग्जैक्ट 2 गुने लड़के हैं, उसमें ज़्यादा लड़के नहीं हैं, तो ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ तो ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। तो ई डब्ल्यू एस की कट ऑफ जो है वो तो ज़्यादा नहीं जाएगी, वो लगभग 57 के आसपास ही जाएगी। और अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 58 गई थी, तो इसमें लगभग 8 नंबर का इजाफा होने वाला है। तो ये कट ऑफ जो जाने वाली है ये 66 के पास जाने वाली है फाइनल कट ऑफ। तो 66 के प्लस जो कैंडिडेट हैं वो मेरे अकॉर्डिंग लगभग सेफ हो सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता क्योंकि कट ऑफ का कितनी जाएगी ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये लगभग 90% कट ऑफ सही जाएगी, इससे एक्स्ट्रा कट ऑफ नहीं जाएगी, और हो सकता है इससे कम भी ना जाए। अगर यही फैक्टर है तो इससे कम भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 7-8 नंबर तो पहले ही बढ़ रहे थे। हमारी कट ऑफ जो थी पुरानी कट ऑफ ही थी, वो 54 को बेस मान रही थी। तो जो ओबीसी की कट ऑफ 56 है तो इसकी कट ऑफ जो 65 प्लस के कैंडिडेट हैं, जो 65 से जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो सभी सेफ़ हैं। और एससी के जो 55 गई है तो इसकी तो 60 पे सभी बच्चे सिलेक्टेड हो जाएंगे, और एसटी की 45 पे, क्योंकि ये इसमें कोई समान कट ऑफ अंक लागू नहीं हुआ था तो इनकी केवल 4 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, और 45 पे सभी भले इसकी वैकेंसी 8 हैं लेकिन 45 पे सभी सिलेक्टेड हो जाएंगे। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 40 पे सभी सिलेक्ट, 5 नंबर में गैप पे सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है 38 भी जाए। तो एक बार मैं लिख देता हूँ फाइनल कट ऑफ फटाफट। तो ई डब्ल्यू एस की 54 गई थी तो इसकी कितनी जाएगी, 57। कितने नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, +3। अनरिजर्व की 58 गई थी तो इसकी फाइनल कितनी जा रही है कट ऑफ, 66। कितने नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 नंबर का। ओबीसी की 56 कट ऑफ गई है तो इसकी कट ऑफ फाइनल कितनी जा रही है लगभग, तो ओबीसी की लगभग 65 प्लस जा रही है। इसकी जो कट ऑफ जा रही है लगभग, क्योंकि इसकी जो अनरिजर्व और ओबीसी की कट ऑफ का अंतर है वो नेग्लिजिबल ना के बराबर होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट थे वो मैक्सिमम ओबीसी के ही थे और उन्हीं के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। तो ये लगभग वही 9 नंबर तक बढ़ रही है अपने बेस कट ऑफ से। और एससी की जो कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 5 नंबर के इंक्रीमेंट के साथ, 60 पे जा रही है। और वैसे एसटी की कट ऑफ जा रही है 45, लगभग 4 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है ये लगभग, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है वैसे समान कट ऑफ अंक वाला रूल इसमें लागू नहीं है। और जो फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ जा रही है वो 38 से 40 के बीच हैं ऑल फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि वीडियो को, मतलब ये मैं किसी का मन दुखाने या किसी को खुश करने के लिए कट ऑफ नहीं बता रहा था, आप लोग भी अगर ध्यान से सोचेंगे या इस पर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को भी शायद ये बात सही लगे कहीं ना कहीं। और ऐसा नहीं है कि अब जिनका होगा उसका तो होएगा ही होएगा, और जिसका नहीं होना है तो उसका कुछ कर भी नहीं सकते यार,
और उसका सामना भी सभी लोगों को करना है, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे जो हो, उसका सामना एक ना एक दिन होगा, 1.5 महीने बाद हो जाएगा, 20 अगस्त के बाद होगा। और इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्रुप में शेयर करें, उनसे राय लें। बैड ही कमेंट करोगे आप लोग, जैसे जिसको नहीं पसंद आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके बैड कमेंट से कोई मतलब निकलने वाला है। और ये कट ऑफ मैं किसी के गुस्से में नहीं आके बना रहा हूँ कि किसी को खुश या नाखुश कर दूँ, लेकिन लगभग यही फैक्टर होता है जिसकी वजह से इतने लड़के आए हैं। और कट ऑफ तो वहीं से बढ़ेगी जहाँ से दुगना लड़के चालू हुए थे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपना सुझाव दें कि इससे सहमत हैं कि नहीं। हो सकता है कि EWS को ना बेस मान के, जो बेस कैटेगरी मानी गई SC को मान लिया गया हो, तो कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं है। कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर थोड़ी मेहनत वो हो। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूँगा एक बार, अब उसको तो मैं डालूँगा जब मैंने वीडियो बनाया है और बच्चों से इतनी बात की और मेहनत की है, उसमें बच्चों के नंबर्स भी हैं और उनके कमेंट्स भी हैं, उनके हिसाब से जो कट ऑफ जा रही वो तो ज़्यादा नहीं जा रही, जो मेरी प्रीवियस कट ऑफ थी उसी के आसपास है, हालांकि उससे कम भी जा रही थी, लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा रही है। और तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से बने रहें, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी, भले ही उस पे कट ऑफ कम है, लेकिन वो अलग फैक्टर पे डिपेंड है। और ये शायद इसके साथ तो मैं 90% श्योर हूँ, उस पे नहीं, लेकिन इस पे 90% श्योर हूँ कि कट ऑफ लगभग यही जाने वाली है, तो कट ऑफ लगभग यही जाएगी।